हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 30 प्रश्न होंगे इसमें हमेशा की तरह, और 30 में से जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप 30 में से 20 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको लिखा है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल, अगर आपके सीने में आग लगी है कि मैं सफल होऊंगा तो आप जरूर सफल होंगे। तो इसी के साथ जो है अपना छोटा सा वीडियो शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, वह कौन सा रोग है जो कुत्ते के काटने से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ हैजा, रेबीज, पीलिया या टाइफाइड, कौन बताएगा इसका जवाब? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल आपका जवाब सही होगा, मुझे पता है। मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। लिखा है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, रेबीज होता है। और रेबीज पीलिया जो है ये आपके काहे से होते हैं? ये वायरस से होते हैं। बाकी हैजा टाइफाइड जो है ये किससे होते हैं? ये बैक्टीरिया से होते हैं। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है। इसमें जो जिसको काटता है कुत्ता वो पागल हो जाता है और वो पानी से डरता है। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब होता है? 22 जून, 23 मई, 22 मई या 23 जून को? बिल्कुल आप लोग बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, विश्व जैव विविधता दिवस कब होता है? सोच लीजिए और सोच समझ करके जवाब दीजिए, क्योंकि सोच समझ करके जब आप जवाब देंगे तभी आपका जवाब भी सही होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये होता है आपका कब? 22 मई को। 22 मई को आपका जो है विश्व जैव विविधता दिवस होता है। विश्व श्रमिक दिवस कब होता है आपका? कौन सा विश्व श्रमिक दिवस कब होता है, कोई बताएगा? विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को होता है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को होता है। इन पॉइंट्स को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा इसका जवाब? अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? बिल्कुल आपका जवाब सही है, ये है आपकी अमेजन नदी। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। मिस्र का शोक जो है किसे कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। गंगा आपकी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और जब गंगा जो है बांग्लादेश में जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो उसकी कपिल धारा बनती है, यानी एक सिंगल धारा बनती है, उसे कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी है। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, सूर्य में धब्बों का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड? मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले इस पर जो है वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में पढ़ा हुआ था। बिल्कुल बताइए आप लोग क्या जवाब होगा, सूर्य में धब्बों का तापमान कितना होता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का तापमान जो सतह का तापमान होता है उसका वैल्यू होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सूर्य में धब्बे होते हैं उनका तापमान 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का तापमान मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लेती हैं। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, संविधान की तीसरी सूची में किसका वर्णन है? राज्य और संघ क्षेत्र,
दल बदल कानून, शपथ ग्रहण या वेतन और भत्ते पेंशन। बताइए आप लोग क्या जवाब होगा। आपको पता ही होगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद जो है आपके काफ़ी सारे हो गए हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितने थे, 395 थे। ठीक है, तो क्या होगा इसका जवाब। संविधान की तीसरी सूची में वर्णित है, बिल्कुल आपका जवाब सही है, शपथ ग्रहण वर्णित है। ठीक है, शपथ ग्रहण तीसरी सूची में वर्णित है, अनुसूची में। और दूसरी सूची में वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन है, जो भी आपके पदाधिकारी होते हैं। दल बदल कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन 1ली अनुसूची में है। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बिल्कुल बताएं क्या जवाब होगा। देखिए, मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, सभी को पता होगा। ठीक है, मूल अधिकार आपके कौन से अनुच्छेद के बीच में पाए जाते हैं, 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। भाग आपका कौन सा है, 3 भाग है। मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं, USSR यानी रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 51 के का में मिलते हैं आपको भारतीय संविधान में, और इसका भाग होगा भाग 4 का का। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में पाए जाते हैं भारतीय संविधान में, और इनका जो भाग है वो 4 है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और भारत का जो संविधान है उसकी आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं, आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, बिल्कुल मुझे पता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, पढ़िए आराम से। विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की वजह से होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट नहीं पाया जाता है, विटामिन के का नाम जो है रासायनिक नाम नेस्तोकुनोन नहीं है। तो क्या होगा आपका जवाब, बताएं आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आप लोग गलत कराते हैं, क्योंकि जब आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं होता है तो आप जो है गलत करके आते हैं। देखिए, एक प्रश्न में जो है मैंने काफ़ी सारी बातें आपसे पूछ ली, बिल्कुल बताएं। विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल देखिए ये प्रश्न के अनुसार गलत है, मतलब ये सही नहीं है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की वजह से होता है, बिल्कुल सही, प्रश्न के अनुसार आपका ये सही होगा, यानी 7वें का बी ऑप्शन आपका सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नहीं पाया जाता है, ये गलत है आपका, पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल एमीन। ठीक है, लिखा है विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन नहीं है, मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन ही होता है, इसी वजह से ये भी आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा सही है। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, KM मुंशी या DP खेतान। बिल्कुल आपको पता ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर जी थे। कौन थे, अंबेडकर जी थे। ठीक है, अंबेडकर जयंती आपकी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो बताएं आप लोग प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था, बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ये तो पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन ये बहुत ही कम पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था। तो आपका जवाब मुझे पता है क्या होगा, और बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये आपके प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। ठीक है, इसमें टोटल 7 लोग शामिल थे, कौन कौन, भीमराव अम्बेडकर जी, N गोपाल, स्वामी अयंगर जी, अल्लादा कृष्णा, स्वामी अय्यर जी, KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान, ये लोग शामिल थे। तो अंबेडकर जी, KM मुंशी और DP खेतान प्रश्न में आपके दिए हुए हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे, इसी वजह से आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, विषाणु जनित रोग निम्न में से कौन सा है, हैजा, टाइफाइड, एड्स या काली खांसी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, विषाणु जनित रोग है, हैजा, टाइफाइड, एड्स या काली खांसी। मुझे पता है आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, और अच्छे से जुड़िए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ऊर्जा भर देता है काम करने के लिए।
बिल्कुल विषाणु जनित रोग है ये आपका, क्या है, एड्स है। क्या है? एड्स, ठीक है। एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। और एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। और एड्स जो है किससे होता है? वायरस से होता है। एकदम आपको पता होना चाहिए। हैजा, टाइफाइड और काली खांसी ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, माओरी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या कांगो बेसिन। माओरी जनजाति आपकी किस क्षेत्र में रहती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप लोग? बिल्कुल बताएंगे। माओरी जनजाति आपकी कहाँ रहती है? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, न्यूजीलैंड में रहती है। ग्रीनलैंड में आपका एस्किमो जनजाति रहती है। और सेमांग जनजाति आपकी है कौन सी? सेमांग जनजाति वो आपकी मलेशिया में रहती है। कहाँ रहती है? मलेशिया में। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी जनजाति रहती है। रेड इंडियंस जो है कनाडा में रहते हैं, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आयुनी जनजाति है, आयुनु जो जनजाति है ये जापान में रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, डाउन्स घास का मैदान कहाँ होता है? कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड? बताएं आप लोग, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल आप लोग बताएं इसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल आपका जवाब सही है, डाउन्स घास का मैदान जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, येलो जलप्रपात, व्हाइट फ्योर्ड जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कौन बताएगा इसका जवाब? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है आपका एंजल जलप्रपात है। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसने ये बताया है उसका बिल्कुल सही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, भारत का कुंचिकल झरना किस नदी पर है? भारत में एक झरना है कुंचिकल, वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, वाराही नदी या शारावती नदी पर? एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको हर प्रश्न पढ़ना है जो मैं आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है ना कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। भारत में कुंचिकल झरना आपका किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। और वाराही नदी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना भी है, ठीक है। दूध सागर झरना जो कि मांडवी नदी पर है, एक आपका झरना है दूध सागर। कौन सा झरना? दूध सागर, ये आपका मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर है। और कहाँ है? गोवा में है। ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका जोग झरना आता है। जोग झरना कौन आता है? जोग झरना, जो कौन सी नदी पर है? शारावती नदी पर है। नर्मदा नदी पर जो है आपका इन्ना झरना है। इन्ना जो है चौथे नंबर पर आता है, मतलब ऊंचाई में सबसे नंबर और पर आपका कुंचिकल, फिर उसके बाद दूध सागर, फिर उसके बाद जोग झरना, और उसके बाद चौथे नंबर पर आपका इन्ना झरना आता है जो कि नर्मदा नदी पर है। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या मिजोरम? कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कोई बताएगा इसका जवाब? मुझे पता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बिल्कुल आप लोग बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, कि कंचनजंगा पर्वत आपका किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या मिजोरम? बताएं आप लोग। बिल्कुल आपका जवाब सही है, कंचनजंगा पर्वत आपका सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे आपको पता होगा दर्रे हैं, तो उनको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। बोमडिला, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा आपके कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में है। कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार बताया है, नाथुला दर्रा है, और नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा है, ठीक है। मणिपुर में आपका कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है, तुजा मणिपुर। और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और
बाड़ा लाचा दर्रा, मैंने आपको इसके बारे में बताया ही हुआ है। लिखा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, मैंने इसके बारे में आपको बताया ही हुआ है। इसका जो जवाब बता देगा बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बता देगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं जाती है? बिल्कुल आपका जवाब सही है, मुझे पता है। क्या होगा इसका जवाब, देखते हैं कौन बताएगा। बिल्कुल आपका जवाब सही है, ये उत्तराखंड से नहीं जाती है, बाकी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से हो करके जाती है। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, क्या ट्रिक बताई थी? पंडित झागू राम के 6 मित्र, ये याद रखिए। आपको जो है कर्क रेखा पर जो भारत के मतलब कर्क रेखा जिन भारतीय राज्यों से जाती है उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। पा से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और मी से मिजोरम और ता से त्रिपुरा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं। हाँ, तो उत्तराखंड से आपका नहीं जाता है, आपका बी ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट को स्पर्श करता है? दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट को स्पर्श करता है? बिल्कुल आप लोग बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आपको बताना भी है कि क्या जवाब होगा। बिल्कुल आपका जवाब सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये समुद्र तट को स्पर्श करता है, बाकी दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड जो है आप जो है समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कौन सी है? धूपगढ़ी पर्वत, नीलगिरी पर्वत या गुरु शिखर या अनाई मुदी, कौन इसका जवाब बताएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग बताएं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कौन सा पर्वत है आपका? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये आया भी हुआ है और आपको बताना भी है कि इसका क्या जवाब होगा, बताएंगे भी आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, बिल्कुल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थली है वो है आपका नीलगिरी पर्वत। यहाँ पे टोडा जनजाति भी रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति रहती है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की 2nd नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, और अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी पर्वत चोटी, आपको याद हो गया होगा मुझे आशा है। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है, पाक जल संधि किसके बीच में है? पाकिस्तान, भारत, भारत और अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका या भारत और चीन, क्या होगा आपका जवाब? पाक जल संधि किसके बीच में है? बिल्कुल आप लोग बताएं, पाक जल संधि किसके बीच में है और आपका जवाब मुझे पता है आ भी जाएगा फटाक से, क्योंकि आप लोगों को ये पता भी है और मैंने एक दो बार प्रश्न भी रखा हुआ है। बिल्कुल पाक जल संधि आपका किसके बीच में है? पाक जल संधि जो है पाकिस्तान के बीच में नहीं है यार, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है, 9 डिग्री चैनल आपका कवरत्ती व मिनिकाय के बीच में है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न नहीं है आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए मैप वाला है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से राज्य जो है समुद्र से लगे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता। ठीक है, ये आपके जो है किससे जुड़े हुए हैं? सी से जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। लिखा है, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। तो क्या है, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी
ने आज तक रास्ते में कभी ये नहीं पूछा कि समुद्र कहाँ है, तो आपको कभी घबराना नहीं है कि आपका लक्ष्य कहाँ है। एक बार जो लक्ष्य बना लें तो बना लें और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। अगर आपने पीली नदी कहाँ बहती है, चीन पाकिस्तान बांग्लादेश या श्रीलंका, पीली नदी कहाँ बहती है चीन पाकिस्तान बांग्लादेश या श्रीलंका, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि पीली नदी जो है आपकी कहाँ बहती है, बताएं आप लोग। देखिए पीली नदी आपकी ह्वांगो नदी कहलाती है और ये कहाँ बहती है, चाइना में बहती है, चाइना में, जहाँ से जो है कोरोना वायरस आया था कोविड-19। छोटी छोटी आँखों वाले जो हैं खा खा करके जो है जो उल्टा सीधा खाते हैं और इधर उधर वायरस फैलाते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल वायरस फैला दिए जो है, सारे स्कूल कोचिंग्स और जो एग्ज़ाम होते थे सब बंद हो गए, पागल हैं सब, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। अगला है जल अवशोषण का कार्य जो है कौन सा ऊतक करता है, एपिथीलियम जाइलम फ्लोएम या इनमें से कोई नहीं। जल अवशोषण का कार्य निम्न में से कौन सा ऊतक करता है, एपिथीलियम जाइलम फ्लोएम या इनमें से कोई नहीं, कौन बताएगा इसका जवाब। बिल्कुल जल अवशोषण का कार्य जो है जाइलम करता है, जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल। अगला प्रश्न है स्वच्छता की दृष्टि से भारत का सबसे स्वच्छ शहर लखनऊ, इंदौर, भोपाल या भरतपुर। स्वच्छता की दृष्टि से भारत का सबसे स्वच्छ शहर निम्न में से कौन सा है, करंट का क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है और ये काफ़ी दिनों से ये शहर जो है स्वच्छता का पहला स्थान लिए हुए है और आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्या होगा, इंदौर होगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य, देखिए मध्य प्रदेश में जो है आपका इंदौर है और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश को जो है बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट। अगला प्रश्न है आपका शेर किस प्रकार का उपभोक्ता होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या अपघटक। शेर किस प्रकार का उपभोक्ता होगा बताएंगे आप लोग, बताएं आप लोग शेर किस प्रकार का उपभोक्ता है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। मान लीजिए ये क्या है आपकी, ये घास है, घास को कौन खाता है, बकरी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा कि इसका क्या जवाब होगा, शेर किस प्रकार का उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता होता है, बिल्कुल आपका जवाब आपका एकदम सही है। अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा, महानदी, भगीरथी या वैनगंगा। हीराकुंड बांध जो है आपका किस नदी पर है, क्या होगा आपका जवाब, और मुझे पता है आपका जवाब बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध आपका कहाँ है, महानदी पर है, महानदी कहाँ है, उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा में आपका जो है महानदी और महानदी पर जो है क्या है, हीराकुंड बांध है। अगला है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताएं, महाबलेश्वर, नासिक, अमरकंटक या जनापाव पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या होता है, महाबलेश्वर, नासिक, अमरकंटक या जनापाव पहाड़ी, बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बिल्कुल आपका महाबलेश्वर होगा, पहला ऑप्शन आपका सही है। नासिक त्र्यंबक गांव से आपकी गोदावरी निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी निकलती है। जनाब पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, कौन सी, चंबल नदी। अगला प्रश्न हमारा लिखा है पंच नदियों की भूमि किसे कहते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। पंच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, कौन इसका जवाब बताएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। पंच नदियों की भूमि कौन सा है, बिल्कुल आपका जवाब सही होना चाहिए, क्या है, हाँ बिल्कुल आपका जवाब सही है, पंजाब है, क्या है, पंजाब होगा। अगला है भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है, गोरखपुर, नैनी, देहरादून, हैदराबाद। देखिए 30 में जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत का मानक समय लिया जाता है गोरखपुर, नैनी, प्रयागराज, देहरादून या हैदराबाद। भारत का मानक समय आपका कहाँ से लिया जाता है, 82.5 अंश पूर्व, 82.5 अंश जो है पूर्व से जो है भारत का मानक समय लिया जाता है और नैनी प्रयागराज से लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए लिखा हुआ है पीली क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन, सॉरी पीली क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या मछली उत्पादन से।
बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा। पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया, आपको पता भी होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पीली क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, बिल्कुल सही जवाब है तिलहन के उत्पादन से है। किससे है, तिलहन के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से आपका श्वेत क्रांति जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नीली क्रांति से आपका मछली उत्पादन, अंडा क्रांति किससे जुड़ा हुआ है कोई बताएगा, बिल्कुल बताएंगे। देखिए ये प्रश्न है आपके लिए और आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा, ठीक है। ये प्रश्न है, देखिए देख लीजिए एक बार अच्छे से, देखिए सीरीज देखिए इसमें कौन सी काम कर रही है, बिल्कुल। और उसके बाद जो है एक आपका अगली लाइन लिखी होगी, आपको बताना है उसका क्या जवाब होगा। देखिए बस इतने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल आपका जवाब जो होगा वो बिल्कुल होगा, देखिए 9 2 11 होता है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ करके लिखा गया है, फिर इनको 9 में से 2 7, मतलब 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7। पहले जोड़ा गया तो इधर लिख दिया गया और घटाया गया तो इधर लिख दिया गया, यही प्रक्रिया सभी के साथ हो रही है। देखिए 8 5 13 और 8 में से 5 गए 3, 5 2 7, 5 में से 2 गए 3, 7 6 13, 7 में से 6 गया 1, 8 7 17 और 9 में से 8 गया 1, इसी प्रकार 10 6 16 और 10 में से 4 गया 416, जिसका 416 ऑप्शन सही है, मतलब जिसने 416 जवाब दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सलीम अली, कैलाश सांकला, अमृता विष्णु या कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा और एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, क्या होगा इसका जवाब। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, चिड़ियों के आदमी, ये थे सलीम अली जी, ठीक है। कैलाश सांकला क्या थे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन थे, कैलाश सांकला थे, मतलब कैलाश सांकला है लिखा। तो आपका प्रश्न, भारत की कोविड वैक्सीन नहीं है, फाइजर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या बी और सी दोनों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 29वां और काफ़ी बार पूछा है। आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी, जिसने नहीं लगवाई है लगवा लीजिए भाई, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है और जिनके प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिनको कोविड हो चुका था, वो लोग जो है लगभग 2 से 3 महीने का इंतज़ार करें। लेकिन बताएं भारत की कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है, फाइजर नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है फाइजर जो है किस देश की है। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, मसालों के उत्पादन में नंबर वन राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या केरल, बताएं आप लोग मसाले के उत्पादन में नंबर वन राज्य भारत का कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या केरल। बिल्कुल आपके 30 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं और सभी लोग जुड़े होंगे, जो भी जुड़ते हैं, बाकी शाम को मिलेंगे आपको 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे हिंदी की क्लास के साथ, और टाइमिंग जो है 8 बजे है और 5 बजे है और शाम को 9 बजे है। देखिए सुबह की क्लास जो है विद्यालय खुलने की वजह से लाइव नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपकी क्लास जरूर होगी, चाहे वो रिकॉर्डेड ही क्यों ना हो, अगर छुट्टी होगी जिस दिन उस दिन लाइव होगी। तो मसालों के उत्पादन में आपका नंबर वन आंध्र प्रदेश है, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और 30 में से जितने भी प्रश्न सही करें सभी लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आपके प्रश्न जो जवाब दिए हैं उनको देखता हूँ और जो भी आप कमेंट करेंगे उनको भी देखूंगा कि किसने किसने जो है कितने प्रश्न सही करे हैं, और अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू फ्रेंड्स और जय हिंद जय भारत।